हाय गाइस, गुड मॉर्निंग आल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी का सेशन चल रहा है, प्रोबेबिलिटी के सेशन में सारे डाउट जितने भी रिजल्ट थे सारे रिजल्ट हमने करवा दिए हैं। आज हम डाउट सेशन पे अपने चल रहे हैं कि जो हमें डाउट वाले जो भी इतने भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम किस तरीके से लगाते हैं, कैसे कैसे हमें एयरफोर्स नेवी एनडीए में क्वेश्चन मिलते हैं उनको इस तरीके से बताएंगे हम। तो वन बाय वन सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले डाइस के क्वेश्चन उठाए हैं कि डाइस पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर और ये क्वेश्चन हमें मैंने लिए हैं तो एक जीरो लेवल से क्वेश्चन लिए हुए कि एयरफोर्स के लिए भी आए, नेवी के लिए भी आए और कोस्ट गार्ड के लिए भी मिले हैं आपको क्वेश्चन। तो मैंने डाइस से ही पहले प्रॉब्लम करूँगा कि डाइस में कितने टाइप की जो प्रोबेबिलिटी आती है, कितने कंडीशन के क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि वह डाइस इज थ्रॉन, एक पासे को उछालने पर पाँच आने की प्रायिकता। ठीक है, एक पासे को उछालने पर पाँच आने की प्रायिकता। एक पासा उछाला जा रहा है तो इसके लिए सैंपल स्पेस कितना होगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए छः कितना होगा, छः, क्योंकि छः नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। और कह रहा है कि एक पाँच अंक आने की प्रायिकता, तो यानी इवेंट जो होगी वो क्या होगी जाके, 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जाके, तो पी बराबर होता है यानी अपान एन एस, तो क्या हो जाएगा 1/6। दिस इज द आंसर। ठीक है, यह एक बार पासे को आप खोल लो तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स मिलते हैं, 1 2 5 1 2 6 6 नंबर मिलते हैं। या इसमें कुछ भी पूछा जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। तो ये हमारा मतलब क्वेश्चन बेस्ड है पास डाइस पे कि आर डाइस इज थ्रॉन द डिजिट 5 कम। ठीक है, 5 आने की प्रायिकता। फिर कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है 5 से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता, 5 से कम 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो 5 से अंक कितने कम है, 4। तो जो इवेंट हमारी है कितनी हो गई, 4। और सैंपल स्पेस कितना हो गया, 6। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी जाके, 4/6। तो 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 4, 2 × 3 = 6। दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से कि एक पासे को उछाला जाता है 5 से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता, तो दिस इज द आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि एक पासे को उछालने पर 2 या 3 आने की प्रायिकता। एक पासे को अडाइस स्थान, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर 2 या 3 आने की प्रायिकता, 2 या 3 आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो इसको आप कैसे लगाओगे, तो इसको करने के लिए आप देखिएगा इसमें। तो देखेंगे इसको कि एक पासे को उछाला जा रहा है, अंक 2 या 3 आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले या लिखा हुआ था, या के लिए और के लिए हमने बताया था, या के लिए प्लस और एंड के लिए हमने बताया था मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, ये दो बातें याद रखना, या यहाँ लिखा हुआ है तो वहाँ पे प्लस, एंड के लिए मल्टीप्लाई। कह रहा है 2 आने या 3 आने की प्रायिकता, तो सबसे पहले 2 आने के लिए, तो इसके लिए इवेंट कितनी हो गई, तो इवेंट के लिए क्या हुई जाके, 1। सैंपल स्पेस कितना हुआ जाके, तो 6। तो इसके लिए PE1 PE2 क्या होगा जाके, तो ये हो जाएगा फाइनल PE1 बराबर क्या प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की, तो ये हो जाएगा 1/6। 3 आने के लिए तो NE2 ये क्या हो जाएगा, NE बराबर 1 और NS बराबर ये क्या हो जाएगा, 1। ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए PE2 क्या हो जाएगा, तो PE2 हो जाएगा ये भी 1/6 फाइनल PE। तो PE बराबर लिखेंगे PE1 प्लस PE2 ये, तो PE1 PE2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 1/6 + 1/6 बराबर फाइनल क्या होगा, 2/3, सॉरी 1/3 क्या होगा, 1/3। दिस इज द आंसर। इस तरीके से हमें सवाल लगाए जाते हैं, ऐसे ही सवाल सारे एयरपोर्ट में भी एनडीए में आते हैं आपके। तो इस तरीके से देखिएगा कि गाइस देखेंगे जितने भी क्वेश्चन है इसी तरीके से आते हैं, उनको इसी तरीके से लगाया जाता है। आगे फिर देखेंगे कि अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 पासों को उछालने पर,
दो पांसों को उछालने पर टू डाइस थ्रोन, पांसों को उछालने पर टू डाइस थ्रोन देन बिकम सेम नंबर देन द प्रोबेबिलिटी। कह रहा है कि दो पासों को उछालने पर समान अंक आने की प्रायिकता, समान अंक आने की प्रायिकता। इसको देखेंगे कि दो नंबर दो पासे उछाले जा रहे हैं तो इसके लिए सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो एन एस बराबर 36। कह रहा है समान अंक आने के लिए पहले पर एक आए दूसरे पर एक, पहले पर दो दूसरे पर दो। भाई जब इसमें बोला जाएगा तो पहले पर एक आ जाए दूसरे पर एक आ जाए समान अंक के लिए, पहले पर दो आए दूसरे पर भी दो आए, पहले पर तीन आए तो दूसरे पर भी तीन आए, पहले पर चार आए दूसरे पर चार आए, पहले पर पांच आए दूसरे पर भी पांच आए, पहले पर छह आए दूसरे पर भी छह आए। तो मतलब देखो कि इवेंट नंबर ऑफ इवेंट ये कितनी हुई जाके, तो देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः कितना हुआ जाके छः। तो फाइनल प्रॉबिलिटी क्या होगी जाके 6/36, फाइनल करके क्या आएगा 1/6, दिस इज द आंसर। ओके तो यहाँ से देखते हैं कि इस तरीके से हमारे आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि दो पांसों को उछालने पर, दो पांसों को उछालने पर, पांसों को उछालने पर अंकों का योग प्राइम नंबर होने की प्रायिकता, प्राइम नंबर होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो इसमें देखा कि दो पांसों को उछालने पर अंकों का योग प्राइम नंबर होने की प्रायिकता। सबसे पहले दो पांसे हैं तो इसके लिए सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा एन एस बराबर इसको लिखेंगे 36। अब इवेंट के लिए बात करें तो पांसों का योग प्राइम नंबर होती क्या है, दो तीन पाँच, फिर इसके बाद सात, फिर इसके बाद ग्यारह, ठीक है। फिर आगे बढ़ाएंगे तो ग्यारह के बाद तेरह आता है, तेरह के बाद सत्रह आता है, डाटा चलता रहता है, इसका क्रम है। तो अंकों का योग प्राइम नंबर होने की प्रायिकता, तो पहले पे प्राइम नंबर के लिए क्या हो जाएगा 1/1 होना चाहिए, मतलब दो आए, तीन के लिए दो एक और एक दो, पाँच के लिए क्या होगा तीन दो और दो तीन, और क्या होगा चार एक, एक चार, तो यहाँ पे देखा कि 1 1 2 1 1 2 3 मतलब पाँच के लिए तीन दो दो तीन, पाँच के लिए चार एक एक पाँच, ठीक है, और पाँच के लिए बनता नहीं, सात के लिए कहेंगे तो छः एक और एक सात, सॉरी एक छः, फिर तीन चार, चार तीन, और फिर ग्यारह के लिए देख लो तो पाँच छः और छः पाँच। तो ये पूरा मतलब देख रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, एक कहीं छूटा हुआ भी है, एक तीन पाँच चार एक एक पाँच सात चार तीन ठीक ग्यारह पाँच छः पाँच एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, मतलब क्या यार हुआ, क्या छूट रहा है, क्या छूट रहा है, एक छः है तो यहाँ से सात के लिए दो पाँच भी हो सकता है, पाँच दो भी हो सकता है, तो ये पूरा कितना हुआ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। तो मतलब नंबर ऑफ इवेंट जो आए कितनी है 15। तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी से तो ये कितना हो जाएगा 15/36, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये देख लिया। अब चलो एक चीज़ देखते हैं, इसी में शॉर्ट थोड़ा बता देते हैं कि कैसे दो पांसों का योग कैसे फाइंड करके डायरेक्ट हम देख लें, पांसों को ओपन करने करना ही ना पड़े और डायरेक्ट हमारा जो आंसर आ जाए। तो सबसे पहले दो पांसों को उछालने पर योग सबसे कम क्या आता है, दो, फिर इसके बाद तीन, फिर इसके बाद चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, फिर दस, फिर ग्यारह, फिर बारह। इसके लिए दो आएगा तो कितनी दफ़ा होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवेंट क्या होगी 1, इसके लिए दो, चार के लिए तीन, पाँच के लिए चार, छः के लिए पाँच, सात के लिए छः, आठ के लिए फिर घटाने लगो, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, ठीक है।
तो 2 पाँचों को उछालने पर अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/36। मतलब इवेंट क्या मिलेगी? एक ही मिलेगा। फिर अब यहाँ पे हमने बोला था प्राइम नंबर के लिए, तो प्राइम नंबर होता क्या है? 2 होता है, फिर 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद क्या मिलेगा? 11। फिर इसके बाद मिलेगा नहीं, जोड़ दो 2 1 3, 3 4 7, 7 6 13, और 13 2 15, कितना हुआ जाके? तो सैंपल स्पेस आपको तो पता ही है कितना, 36। ये टोटल योग कितना आया? 15। तो 15/36 कोई भी नंबर निकालो। अगर इसमें बोला जाए कि 2 पाँचों को उछालने पर अंकों का योग 7 आना, तो 7 के लिए दिखा दो कहाँ पे 7 लिखा हुआ। ये तो सैंपल स्पेस कितना है? 36। और ये इवेंट कितनी है? 6 है, तो 6/36 फाइनल क्या आएगा? 1/6। क्या आएगा? 1/6। सरप्राइज आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमें कहीं जाना है। अब जो और आगे क्वेश्चन आएंगे, अभी डाइस पे ही बताया है, कॉइन्स पे आएंगे, कॉइन्स के बाद में और भी प्लेइंग कार्ड के आएंगे, तो उन सब के लिए बात करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, जय हिंद।